क्या कल पूरे जम्मू में चक्का जाम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ विद्य सिंह चिप जी हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं, प्रेसिडेंट है। सर, सबसे पहले मुझे बताइए, क्या कल चक्का जाम होने वाला है या नहीं होने वाला? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी भी टाइम है सरकार के पास, क्योंकि आपने कहीं से कुछ नहीं लाना है। हमारे साथ बैठ के जहाँ आपको ज़रूरत है गाड़ियों की, आपने देखा शहर में गाड़ियाँ चल रही हैं, हमने ये खुद साथ होकर चलाई हैं। मगर जहाँ अगर आप कोई प्राइवेट दायरा, कोई टाटा बिरला, कोई हमारा गला काटेगा, तो मुझे बताइए सरकार को उससे क्या फ़ायदा है? क्योंकि यहाँ हमारी हज़ारों की तादाद में फैमिलियाँ पल रही हैं, और फैमिलियाँ एक गाड़ी एक चक्का चलता है तो तीन फैमिलियाँ पलती हैं। उसमें ड्राइवर है, कंडक्टर है, गाड़ी मालिक है, और काफ़ी सारे उसमें इलेक्ट्रिशन है, उसमें मिस्त्री है। मगर ये जो डिसीजन सरकार ने लेटर ऑन जो रात को लिया है, आप देखिए लोगों में रोष है, और हम कभी भी नहीं चाहते कि कल हम जो पूरा जम्मू बंद हो। सरकार के पास टाइमिंग है, बैठ के हमारे साथ कोई पॉलिसी बनाए। ये कहाँ का इंसाफ है कि गाड़ी एक हमारी गाड़ी टाइमिंग से चल रही है, और दूसरा आके बीच में आके टर्न मार के गाड़ी कट मार के वो चला जाएगा। तो ये पॉलिसी बनाए सरकार, हमारे साथ बैठे, जहाँ ज़रूरत गाड़ियों की है, जहाँ हैंगरी रूट, आप देखिए परमंडल में कहीं गाड़ी नहीं है, उत्तरवैनी में कोई गाड़ी नहीं है। हमने इनको कहा आपको रूट हम देते हैं, आप चलाइए गाड़ियाँ। मेटाडोरों के काफ़ी रूट जो हट गए हैं, और ये कल तक तो सरकार के साथ हमारा समझौता था, कल रात को इन्होंने समझौता तोड़ के जो कदम उठाया है। आपकी राहुल यादव जी से भी बात हुई थी, तो जब आप कमरे से निकले थे तो आपने कहा था हाँ डील, मतलब सारी बातें जो है साझा हो गई, हम सेटिस्फाइड। उसी में यही भी एक निर्णय था कि जब भी गाड़ियां चलेंगी दोनों की सहमति से चलेंगी। आपने देखा उस दिन लास्ट जो मीटिंग हुई थी, हमारे साथ यही डिसीजन हुआ, उसी चीज़ का तो रोना है। एक साइड सरकार हमें कहती है कि हम गाड़ियाँ वहाँ नहीं चलाएंगे जहाँ ऑलरेडी गाड़ियाँ चल रही हैं, मगर ये जो कल रात को इन्होंने मान लिए कि इन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा है, और एग्रीमेंट का आप देखिए। एक चीज़ मुझे बता दीजिए, अगर कल चक्का जाम होगा यानी जम्मू बंद होगा, इसका असर कश्मीर पर भी पड़ेगा क्या? कश्मीर में भी बंद? बिल्कुल, ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट है जिसका मैं प्रधान हूँ, वो ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो लखनपुर से लेकर पूरा कश्मीर प्रोमिस और जम्मू प्रोमिस उसमें आता है। और ये जो टीम हमारी है जिसके चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी हैं, ये एक छाता है, और इसी छाते के नीचे कश्मीर भी है और जम्मू भी है। सर, जाते हुए एक छोटे से सवाल का मुझे जवाब दीजिए यहाँ पर, अगर आपकी आज शाम तक कोई बात हो जाती है तो क्या आप ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करेंगे कि कल चक्का जाम है, स्ट्राइक है, नहीं? हमने कल क्या करना, मैं आपके माध्यम से अभी से कर रहा हूँ कि अगर शाम तक सरकार हमारे साथ नहीं बैठती, कोई निर्णय नहीं लेती, तो मुझे लगता है कल आपको इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्राइवेट जो दायरा है, टाटा, अडानी, अवानी, ये हम यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं होने देंगे। स्मार्ट सिटी वाले तो पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं सर, अगर आप गाड़ियाँ बंद करेंगे उससे उन्हें क्या नुकसान? हमें उनसे उनके नुकसान से क्या लेना देना, हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए चाहे एक दिन क्या, दो दिन क्या, महीना भी लगेगा, तो मुझे लगता है इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि देखिए टायर जो है वो जलाया गया, पुलिस ने जो है इस तरह से यहाँ पर पहुँच के गाड़ियों को आगे पीछे करने की कोशिश की। फिलहाल के लिए गाड़ियाँ यहाँ से आगे पीछे हो चुकी हैं, क्योंकि ये वेयर हाउस का रोड है जिसे बंद किया गया था। अगर यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगा के रोड बंद किया जाता, इसका असर पड़ता। फिलहाल के लिए रोड अभी पुलिस ने खुलवा दिया, ट्रैफिक पुलिस है, पुलिसकर्मी यहाँ पर है। लेकिन कल क्या जम्मू बंद होगा या नहीं होगा, इसका एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको शाम को मिलेगा, ताकि आप लोग जो है वो देख ले घर निकलने से पहले पहले क्या गाड़ियाँ आपको सड़कों पर दिखेंगी या नहीं दिखेंगी।